ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। इस डेसिमल को या इस रेशनल नंबर को हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 7/3 आपका रेशनल नंबर है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम 3 से 7 को डिवाइड करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे और टोटल 10 हो जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, 3 3 टाइम जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे कंटिन्यू सॉल्व होगा, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिलता जाएगा। तो 7/3 को हम लिख सकते हैं 2.33, ये हमारा आंसर आएगा। तो 7/3 इज इक्वल टू 2.33, ये आंसर होगा। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट देख लेते हैं। 5/6 है, हम क्या करेंगे, 6 से 5 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। 8 6 जब 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 6 3 18, फिर 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका 3 टाइम ही जाएगा, 18 होगा, फिर लास्ट में रिमाइंडर 2 ही बचेगा। ये भी यहाँ पर ऐसे रिमाइंडर आता जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें, 0.83, ये हो गया। इसी तरीके से हमें सी करना है, सी भी हो जाएगा 5/7, 7 से डिवाइड करेंगे, 5 को डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 7 टाइम जाएगा, 7 7 जब 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, और फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 1 टाइम जाएगा, 7 1 जब 7 हो जाएगा, 3 आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, फिर 30 हो जाएगा, फिर 7 4 जब 28 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट 2 आएगा, रिमाइंडर ऐसे कंटिन्यू मिलेगा हमें, और सॉल्व करेंगे तो 7 1 4 ना एंड समान, बट आपका यही आंसर होगा। डी वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है। हाँ, ऊपर वाले को डिवाइड करना है नीचे से। नोट हो गया, रेट करते हैं इसको। बेटा वीडियो वॉच करना, आप लोग बहुत लेट क्लास ज्वाइन करते हैं तो कहां से होगा। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following rational number can be represented at a terminating decimal?
ओके बेटा डिवाइड करते हैं इसको। यहाँ आपको बताना है जो डेसिमल आपको ये रेशनल नंबर दिए गए हैं कि कौन कौन से रेशनल नंबर इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है देखते हैं। आपको देखना है अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका जीरो मिलता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और अगर आपको रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं 3/5 को, 5 से डिवाइड करेंगे इसको हम 3 को, यहाँ पर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 6 टाइम जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपका जो रिमाइंडर था ये क्या हो गया, जीरो हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, तो 3/5 क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, बिकॉज यहां पर रिमाइंडर जीरो बच रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट है इसी का, -7/4 है, इसको भी डिवाइड करते हैं 4 से 7 को, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 3 आएगा, और फिर यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा के हम जीरो बढ़ाएंगे तो 7 4 28 हो जाएगा, फिर यहाँ सबट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ फिर जीरो बढ़ाएंगे 7 5 4 5 20। ठीक है, ये टोटल आपका रिमाइंडर यहाँ पर जीरो आ गया रिमाइंडर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अगर डेसिमल आप रिमाइंडर अगर जीरो है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये। ठीक है, ऐसे नोट कर लीजिए, बाकी सबको डिवाइड करके चेक करना है, जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा जो कंटिन्यू डिवाइड होता जाएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, उसको लिखना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बाकी का पार्ट इसमें होमवर्क में करना है। एकदम नीचे जीरो है यहां पर, ये 20 20 से 20 माइनस करेंगे तो जीरो आएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है नॉन टर्म, यहां हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और यह क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ए 16/56, बी है 1/150, सी है 3/1250, ठीक है, डी है 6163। सॉल्व करते हैं इसको भी, डिवाइड करते हैं, सेम प्रोसीजर यहां पर फॉलो करेंगे हम, 16/56 को डिवाइड करेंगे, और अगर रिमाइंडर जीरो मिलता है तो टर्मिनेटिंग होगा, रिमाइंडर अगर कंटिन्यू मिलता रहता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम डिवाइड करेंगे 16/56 को, पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ाना पड़ेगा, कितना टाइम जाएगा ये आपका, 2 टाइम देखते हैं इसको हम, 6 2 12 1 कैरी, 5 2 10 1 11, सबट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, 5 से 1 माइनस करेंगे 4 होगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे हम। नाइन टाइम देखते हैं,
54 फाइव कैरी होगा, 8 टाइम जाएगा आपका ये। गुड मॉर्निंग बेटा, 8 6 48 फोर कैरी, 8 5 40 + 4 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर। फिर देखते हैं 6 5 5 टाइम, 6 5 35 5 28 ये 28 2 80 हो जाएगा। ये भी ये जाएगा 5 टाइम, ये हो जाएगा 2 8 0, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 12 से 8 माइनस करेंगे 4, फिर 0 हो जाएगा। फिर सॉल्व करते जाएंगे ऐसे ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू ऐसे ये डेसिमल फॉर्म में डेसिमल का आगे नंबर मिलते जाएंगे। अगर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो जो हमारा फ्रैक्शन दिया रहेगा या रेशनल नंबर दी रहेगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। यहां लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा, बिकॉज आप डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कंटिन्यू ऐसे मिलता जा रहा है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं मिल रहा है ना, रिमाइंडर ये कंटिन्यू स्टीट कर रहा है, तो हम इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट है 1/150, इसको डिवाइड करेंगे 150 को 100 से, 1000 हो जाएगा, 0 बढ़ा के यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, देखते हैं कितने टाइम जाता है ये आपका 7 7 6 42 4 कैरी, 7 5 35 + 4 39 3 कैरी, 7 + 3 10 ज़्यादा हो जाएगा 7 से, ये आपका जाएगा 6 टाइम, 6 6 6 36 3 कैरी, 30 + 3 33 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 4 आएगा, 9 से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर आपका टोटल कैंसिल हो जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कितने टाइम जाएगा ये आपका 4 टाइम, देखते हैं इसको, 6 4 24 2 कैरी, 22 2 कैरी 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 है, 4 माइनस करेंगे 6 आएगा, 1 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर, फिर अभी ये 1 टाइम जाएगा, 150 हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, फिर बेटा ये कंटिन्यू डिवाइड होता था चला जाएगा एंड सो ऑन, तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसमें के। सो नोट कर लीजिए, सॉरी, बेटा कल से रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है, आज इसको देख लीजिए और कल से रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे। कल से मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट होगा आपका। ये एक्सरसाइज खत्म हुई, तो हम क्या करते हैं अभी 5.3 5.4 को छोड़कर पहले अभी हम एक्सरसाइज 6 चैप्टर 6 पढ़ाएंगे। चैप्टर 6 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो चैप्टर 6 भी आपको पढ़ना होगा, चैप्टर 6 तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी केमिस्ट्री की क्लास आज चलेगी, तो हम क्लास को लेफ्ट कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क